हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बचे हुए तरबूज के छिलके का टूटी फ्रूटी, जिसको आप खाओगे और बाहर की भूल जाओगे। इसको हम चेरीज भी बोलते हैं और आप इसको आइसक्रीम में भी डाल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों में डाल सकते हैं। बहुत डिलीशियस होती है और बहुत ईजी है। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये तरबूज के छिलके ले लिए जो बचे हुए थे, और मैंने इसका साइड का जो ब्लैक साइड कट होता है वो हम करेंगे, इसको कट करेंगे। और इसके पीसेस मैंने कर लिए हैं ऐसे, आप देख सकते हो। और अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम कट कर लेंगे। एक पैन लेंगे जिसमें हम पानी डालेंगे 1 कप, और 5 मिनट हम इसको पकाएंगे अच्छे से, उबलने देंगे इसे अच्छे से। और इसको अब ड्रेन कर लेंगे, छान देंगे ऐसे अच्छे से जिससे कि पानी निकल जाए। एक पैन लेंगे दोबारा, और 1 कप शुगर डालेंगे, पानी डालेंगे 1 कप, और यही जो हमने बॉईल करा तरबूज को हम डाल देंगे। 10 मिनट तक इसे पकाएंगे अच्छे से। गैस बंद कर देंगे, 10 मिनट हो गए हैं मेरे, एंड इसको हम निकाल लेंगे। कलर है हमारे पास रेड फूड कलर, वो हम डालेंगे। ग्रीन डालेंगे, आप कोई भी कलर डाल सकते हो, येलो, ग्रीन, पिंक, जो भी आपका मन करे आप डाल सकते हो। 1 घंटे के लिए इसको साइड में रख देंगे, और 1 घंटे के बाद आप देख सकते हो ये ऐसे लग रहे हैं। और इसको अब मैं एक फॉइल पेपर में यहाँ पे निकाल के रख दूँगी। इसको हम सुखाएंगे बिल्कुल अच्छे से, इसको फैला देंगे जिससे एक एक पीस सूख जाए अच्छे से, और धूप में सुखाएंगे इसे। 1 दिन हमने सुखा लिया है, और आप देख सकते हो कि ये कैसे लग रहे हैं। इसको मिक्स करके आप खा सकते हो। तो मेरी रेसिपी बन चुकी है, मेरी टूटी फ्रूटी बन चुकी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ऑन माय वीडियो, सो डैट कि मुझे पता चले कि आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। एंड टिल देन टेक केयर, बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द न्यू अपडेट।